जय बजरंग बली। मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाने का विधान होता है। ऐसे में भक्त अपने अनुसार किसी भी वक्त हनुमान जी की पूजा कर लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हनुमान जी की पूजा करने का सही समय क्या है। आपको बता दें कि मंगलवार को हनुमान जी की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह और शाम दोनों होता है। इस दिन आप सुबह सूर्योदय के बाद और शाम को सूर्यास्त के बाद हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। सूर्योदय के बाद पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को सूर्यास्त के बाद होता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या महिलाएं हनुमान जी की पूजा कर सकती हैं। महिलाओं के मन में हनुमान जी के व्रत को लेकर संदेह की स्थिति बनी रहती है, लेकिन हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार महिलाएं भी हनुमान जी का व्रत रख सकती हैं। आपको बता दें कि किसी भी धार्मिक ग्रंथ, शास्त्र या पुराण में महिलाओं द्वारा हनुमान जी की पूजा न करने के विषय में नहीं लिखा गया है, लेकिन व्रत और पूजा के दौरान कुछ बातों पर विशेष ध्यान रखें। वो हनुमान जी को लाल वस्त्र या सिंदूर न चढ़ाएं, क्योंकि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं। साथ ही वो अपने शुद्ध दिनों में ही हनुमान जी की पूजा करें। जानकारी के लिए बता दें कि मंगलवार का दिन हनुमान जी की पूजा का सर्वश्रेष्ठ दिन माना जाता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार मंगलवार का व्रत रहने से कुंडली में मंगल ग्रह के निर्बल होने का प्रभाव बदल जाता है और शुभ फल की प्राप्ति होती है। शनि की महादशा और साढ़े साती को दूर करने के लिए भी यह बहुत लाभकारी है। चलिए अब आपको बताते हैं कि हनुमान जी को क्या क्या भोग लगाना चाहिए जिससे वो प्रसन्न होते हैं। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी को लड्डू बहुत ही प्रिय हैं, इसीलिए मंगलवार के दिन उनकी पूजा करते समय उन्हें भोग के रूप में लड्डू चढ़ाना चाहिए। कहते हैं कि लड्डू का भोग पाकर हनुमान जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त की मनोकामना पूरी करते हैं। इसके अलावा आप बजरंग बली को भोग के रूप में तुलसी के पत्ते भी चढ़ा सकते हैं। कहा जाता है कि तुलसी के पत्ते हनुमान जी को चढ़ाने से उनकी कृपा बरसती है। कुंडली टीवी डेस्क से दीक्षा गुप्ता की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।